दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त आपको मिलता रहे। वो 8 अक्टूबर 1972 को कराची में पैदा हुई। शाजिया एक काबिले जिक्र पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। वो इस वक्त 2018 के आम इंतखाबात में मुंतखिब होने के बाद बतौर रुकन कौमी असेंबली काम कर रही हैं। शाजिया एक बाहिम्मत खातून सियासतदान हैं जो सच बोलने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती हैं। शाजिया बचपन की शादी का शिकार हो गई जो ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। वो अकेली माँ हैं जो एनजीओस के लिए भी काम कर रही हैं और बचपन की शादी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इसने आर्ट्स में बैचलर किया है। इनका ताल्लुक सिंधी सियासतदानों के एक काबिले जिक्र खानदान से है। इनके दादा अली मोहम्मद मरी सिंध के पाकिस्तानी सियासतदान थे जबकि इनके वालिदैन अता मोहम्मद मरी और परवीन मरी बाअसर सियासतदान हैं। इनके वालिद माजी में सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। इसने कम उम्री में शादी कर ली लेकिन ये कामयाब ना हो सकी। वो इस वक्त एक बेटी की अकेली माँ है। इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज 2002 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेकर किया। वो सूबाई असेंबली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ी और खुशकिस्मती से इलेक्शन जीत गई। शाजिया ने अपनी मुद्दत मुलाजमत 2007 में मुकम्मल की। वो दोबारा 2008 के आम इंतखाबात में सूबाई असेंबली की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ी। इसने एक बार फिर अपने हरीफ को शिकस्त दी। हल्फ उठाने के बाद इन्हें सिंध की वजीरे इत्तलाआत बना दिया गया। वो 2008 से 2010 तक इस ओहदे पर फाइज रही। 2012 में इन्होंने सूबाई असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। 2012 में इन्हें 6 जुलाई 2012 से 30 अगस्त 2013 तक खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असेंबली बनाया गया। 2013 के इंतखाबात में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्का NA 235 से रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुई। इसने 2018 में अपनी मुद्दत पूरी की। वो 2018 के आम इंतखाबात में हल्का NA 216 से सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बाद इस वक्त रुकन कौमी असेंबली के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। इन्होंने 13 अगस्त 2018 को हलफ लिया। शाजिया जो पाकिस्तान की वफाकी वजीर बराए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और मौजूदा वजीर बराए गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ्फुज़ के लिए है।